चलो आ गए लगभग। चलो आ गए बेटा। यस सर। यार ये मेरा कैमरा है तो चलो ठीक है, एक और बच्ची है, बच्ची इसको आ जान दो फिर चालू करते हैं। ठीक है, तो पिछले वाले इसमें हमने दरअसल क्या देखा, वहां पे ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स के अंदर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो वो थे, है ना। यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम है उसके नंबर में चेंज हो रहा है। वहां पर क्या हो रहे थे, ऑटोसोम में हो रहा था, यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो रहे थे। तो अब यहाँ पे नंबर में चेंज हो रहे हैं, मतलब कैसे हो जाएंगे भाई बताओ। ट्राइसोमी और मोनोसोमी। हाँ, ट्राइसोमी मोनोसोमी यही हमको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला किलने फिल्टर से, बेटा म्यूट भी करा करो, आंसर किया करो लेकिन फिर म्यूट भी कर दिया करो तुरंत, है ना, आवाज मिक्सअप हो जाती है बहुत, फिर वो इरिटेट वाली एक आवाज बनने लग जाती है इसीलिए। ठीक है, सबसे पहला है क्या है यहाँ पे, किलने फिल्टर सिंड्रोम। किलने फिल्टर सिंड्रोम में क्या हो रहा है यहाँ पर, अब इसका हमको मेन तो इनमें बेटा एक ही चीज अच्छे से याद रख लेना। हाँ तो नहीं देखा, ठीक है, क्या चीज हो रही, किलने फिल्टर सिंड्रोम। तो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे, टू एन टू एन टू एन ही रहना है, लेकिन टू एन इज इक्वल टू कितना होता है, 47 हो रहा है। अब 47 हो रहा है तो 47 हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जैसे 44 ऑटोसोमल है इनमें कोई चेंजेस नहीं हुए, यहाँ पर एक क्या रहता है सेक्स क्रोमोसोम रहता है, क्या रहता है वो एक्स और वाई प्रेजेंट रहता है, तो ये क्या हो रहा है 46 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोले हमने, टू एन इज इक्वल टू इनमें क्या होता है 47 होता है, तो 47 हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एक्स क्रोमोजोम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये हो गया इसका क्रोमोसोमल मेकअप, किसका, किलने फिल्टर सिंड्रोम में 2n इज इक्वल टू 47, और यहाँ पे हमने क्या बोला था कि ये सेक्स क्रोमोसोम में यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, तो ये एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, बाय मिस्टेकली एक बार फिर से क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, बस इससे ज्यादा नहीं देख सकता। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे इसमें और क्या क्या चीजें हमको देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे एक्स के कारण ये एक चीज याद करो, यहाँ पे जो फीमेल थी उसमें क्या हो रहा था, एक्स और एक्स हो रहा था, और मेल के अंदर में क्या हो रहा था, एक्स और वाई हो रहा था, इसके कारण में ये फीमेल बनती है और यहाँ पर क्या बनता है, मेल बनता है। लेकिन अब यहाँ पे देखो ये है मेल, मतलब एक्स वाई हो रहा था इसके अंदर में, लेकिन एक क्रोमोजोम क्या हो गया यहाँ पे, प्लस हो गया, और ये एक्स क्रोमोजोम के कारण क्या हो जाते हैं, फीमेल कैरेक्टर आ जाते हैं और ये मेल भी है, तो ये चीज हो गई यहाँ पे इस एक्स एक्स के कारण में। जिस भी पर्सन में यहाँ पे ऐसी कंडीशन होती है वहां पर क्या होता है, होता वो मेल है ना, है मेल, लेकिन उसके अंदर में कुछ फीमेल के भी यहाँ पे कैरेक्टर्स हमको देखने को मिल जाते हैं। अब इस एक्स के कारण क्या हो रहा है, जो टेस्टिस हो रही है ना, जो टेस्टिस है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रही, जो जेनाइटल ग्लैंड्स रहती है, जेनाइटल ग्लैंड्स क्या हो रही थी, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड हो रही थी, बर्थलिन ग्लैंड हो रही थी, सेमिनल वेसिकल हो रहा था, शुक्राशय हो रहा था, ये अच्छे से यहाँ पर विकसित नहीं हो पाते हैं, है ना, विकसित नहीं हो पाते। और इसी कंडीशन को, ये जो किलने फिल्टर सिंड्रोम है, इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं यहाँ पे, हाइपोगोनेडिज्म बोलते हैं, है ना, ये हाइपोगोनेडिज्म। ठीक है, हाइपोगोनेडिज्म। अब इसमें
हाइपोगोनेडिज्म, हाइपोगोनेडिज्म का एक हमने मीनिंग भी बताया था कि यहाँ पर क्या हो रहा था। तो हाइपोगोनेडिज्म या हाइपो हाइपोस्पर्मिया हमने पढ़ा था, एक वर्ड हाइपोस्पर्मिया है ना। तो हाइपोस्पर्मिया, हाइपो मतलब क्या होता है कम, स्पर्मिया स्पर्म कम बन रहा है, तो उसमें क्या होता है स्पर्म कम क्या होते हैं, कम बनते हैं, ठीक है, स्पर्म कम बनते हैं। और इस कंडीशन को जब यहाँ पे स्पर्म कम बन रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे नर बाध्यता बोलते हैं, मेल स्टेरिलिटी है ना, या ये जो मेल रहते हैं इसको क्या बोलते हैं, स्टराइल मेल बोलते हैं, या मेल स्टेरिलिटी नर बाध्यता बोलते हैं, है ना। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन ये जो मेल बना हुआ है स्किल्नेफिल्टर सिंड्रोम में, ये जो मेल बना था इस मेल के शरीर के ऊपर में जो एक्सटर्नल ये हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं ये नहीं रहना है, ठीक है। जो फीमेल है उसकी तरह इसके क्या होना है, ब्रेस्ट ज्यादा ज्यादा डेवलप हो जाना है ना। और जब ब्रेस्ट यहाँ पर, और ये ऐसे कंडीशंस जब आ रही कि बॉडी के ऊपर में हेयर्स प्रेजेंट नहीं है, ब्रेस्ट ज्यादा डेवलप हो जा रहे, तो इसको बोलते हैं गायनोकोमेस्टिया ना, कि मेल के अंदर में फीमेल के कैरेक्टर्स हमको देखने को मिलता है। नोट किए बेटा ये पॉइंट्स। अगली चीज, इसकी जो खोज है, इसकी खोज एक अमेरिकन वैज्ञानिक एच एफ क्लाइनफेल्टर, सर क्लाइनफेल्टर होता है ना, तो क्लाइनफेल्टर ही वो बोलते हैं बेटा, वो प्रोनाउंस ठीक है, क्लाइनफेल्टर भी वो कर सकते हैं, क्या क्या बता रहे हैं, हाँ साइंटिस्ट है ना, एरी एफ फिल्टर, ठीक है। कब दिया था इन्होंने यहाँ पे, ये 1942 में, ठीक है, 1942 में इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है। और मेन तो क्या हो रहा था इसमें, एक चीज याद रखना कि इसमें जो हो रहा है मेन जो अगर बॉडी हो रही है वो कैसी है, मेल की बॉडी है, लेकिन वहां पर फीमेल्स फीमेल्स के कैरेक्टर्स आ जा रहे हैं ना। और कब ऐसा हो रहा है, जब यहाँ पे कोई एग है उस एग के अंदर में एक क्रोमोसोम, ये जब यहाँ पे इसने क्या होना था, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था, और जो अर्धसूत्री विभाजन में एक एक एक्स जाना था, लेकिन ऐसा ना हो क्या क्या हो जाना है, गलती से या तो एक ही के अंदर में दोनों एक्स चले जाना है, या जब यहाँ पे विभाजन हो रहा था तो यहाँ पे क्या होना है तीन एक्स की कॉपी हो जाना है, जिसके कारण एक एक्स इधर ये ऐसे चले गया, तो ये वाले तो नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो कॉपी हो गए है या दोनों के दोनों क्रोमोसोम एक ही एग में आ गए हैं, तो ये जिस स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज हो रहे हैं उसके साथ में मिलके ये क्या बन गया, एक्स एक्स और वाई वाला यहाँ पे पर्सन बन गया, जिसके कारण यहाँ पे उसको अंदर में फीमेल के कैरेक्टर्स हमको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये वाली कंडीशन है, बताई थी कब कब हो सकती है, या तो साइटोप्लाज्मिक जो डिवीजन हो रहा था उस टाइम में, सेंट्रोमियर्स जिससे जब स्प्लिंटल फाइबर्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहे थे तो हो सकती है, एनाफेज में हो सकती है कोई गड़बड़ी आ रही है तो हो सकती है, मेटाफेज में कोई गड़बड़ी आ रही है तो यहाँ पर हमको ये चीज देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगली चीज यहीं पर जो ये क्या क्लाइनफेल्टर बोल रहे थे हम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स वाली जब कंडीशन बोल रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग कंडीशन आ रही, जैसे हो सकता है यहाँ पे एक एक्स हो एक वाई हो, मतलब दो वाई, ये कंडीशन भी हो सकती है, एक्स 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 ये कंडीशन भी हो सकती है, एक्स 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 और ये वाई ये कंडीशन भी हो सकती है, एक्स 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 ये एक्स और ये वाई ये भी कंडीशन हो सकती है, X, 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 X और ये वाई ये कंडीशन भी हो सकती है। तो जब ऐसी यहाँ पे कंडीशन आ रही है, ये अभी तक तो चलो ये वाली कंडीशन चल रही थी X, X और Y, और एक कंडीशन क्या चल रही है X, Y और Y, ये कंडीशन दो चल रही, तो ये एक तरह से नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जब यहाँ पर ये बहुत ज्यादा यहाँ पर ऐसे क्रोमोसोम्स के नंबर इंक्रीज हो जाना है, तो ये जो पर्सन है ये कैसे होना है, बहुत लंबे रहना है, मेंटल डेवलपमेंट इनका बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं होना है, बहुत ज्यादा ये एग्रेसिव रहना है, बहुत ज्यादा कैसे होना है यहाँ पे ये मतलब गुस्सेल वाले गुस्सेल रहना है, बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, और जो यहाँ पे
मतलब ये जो मेल बन रहे हैं इनको क्या बोलते हैं यहाँ पे, सुपर सुपर मेल बोलते हैं ना, सुपर मेल, ठीक है। और जो फीमेल है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, सुपर फीमेल, सुपर फीमेल, ठीक है। या ये जो डिसीज है स्किनेफिल्टर सिंड्रोम को ही क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्रिमिनल डिसऑर्डर। क्रिमिनल डिसऑर्डर क्यों, क्योंकि भाई ये एक्स क्रोमोसोम हमारे जो मेंटल डेवलपमेंट में हमारा जो गुस्सा वगैरह है ये हमारे थोड़े से बिहेवियर को कंट्रोल करने वाले जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। जब इनके नंबर यहाँ पे बढ़ जाना है तो हमारा बिहेवियर क्या होना है, ज्यादा एग्रेसिव हो जाना है ना। एग्रेसिव होने के कारण जरा सा कोई गुस्सा वगैरह आया तो सामने वाले को मारपीट देना, इसीलिए इस सिंड्रोम को क्या बोलते हैं, क्रिमिनल डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ये नोट कर लेना, क्रिमिनल डिसऑर्डर। ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। ठीक है, दूसरी डिसीज अब यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या हो रही थी, यहाँ पे मोनोसोमी हो रही थी, ये मोनोसोमी। और इसमें क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे 46-1 हो जा रहा था इज इक्वल टू 45 हो रहा था। और ये अधिकतर किसके अंदर में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे फीमेल के अंदर में देखने को मिलता है ना। ठीक है, ये किस में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे फीमेल के अंदर में। और इसका अगर हम क्रोमोसोमल मेकअप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2n-1 इज इक्वल टू 45, ठीक है, या 46-1 इज इक्वल टू 45, या 46-x इज इक्वल टू 45, ठीक है, 45। ये अब क्या चीज हो रही है, इसके अंदर में यहाँ पे जो स्त्रियां हो रही है वो कैसी हो रही है, स्टराइल हो रही है, मतलब बांझ हो रही है, क्योंकि इनमें जो जेनाइटल ऑर्गन है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगे अच्छे से यहाँ पे। ओरी मतलब मेन तो ये है कि ओरी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है, ये ओरी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है, जिसके कारण यहाँ पे जो फीमेल्स है स्टर्नल सिंड्रोम में ये सब कैसी होना है, स्टराइल रहना है, बांझ रहना है, मतलब वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते हैं, है ना। और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कंडीशन आ रही है, अगर हम जो फीमेल की बात कर रहे हैं तो हमने बोला था फीमेल समयुग्मकी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होना है, एक्सओ टाइप की रहना है, मतलब एक ही क्रोमोसोम यहाँ पे, एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट रहना है एक्स, ठीक है। चलो ठीक है, अब अगली चीज है यहाँ पे जीन म्यूटेशन, है ना। जीन किसके कारण, यहाँ पे ऑटोसोम में, ठीक है। जीन म्यूटेशन अभी तक क्या चल रहा था, क्रोमोसोमल म्यूटेशन चल रहा था या क्रोमोसोम के नंबर्स में चेंज चल रहा था, अब क्या है यहाँ पे जीन म्यूटेशन हो रहा है, लेकिन किसके अंदर में हो रहा है, यहाँ पे ऑटोसोम के अंदर में हो रहा है, ठीक है, ऑटोसोम में हो रहा है। अब ऑटोसोम में भी पहले जो होता है अप्रभावी रूप में, ये रिसेसिवली इन्हें इनहेरिटेड टीयर्स है ना, मतलब क्या चीज हो रही है यहाँ पे, अप्रभावी रूप से मतलब अप्रभावी रूप से वंशागत लक्षण, तो अप्रभावी वाली जो जीन्स है उसमें यहाँ पे कोई चेंजेस हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहली चीज आती है यहाँ पे एल्बिनिज्म, सबसे पहले यहाँ पे एल्बिनिज्म। अब इस एल्बिनिज्म में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मैमल्स है, मैमल्स के अंदर में क्या होता है, एक यहाँ पे पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो हमारे स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, वो क्या है, मेलेनिन है। तो ये जो मेलेनिन है मेन तो ये हमारी स्किन के कलर, हमारे हेयर्स के कलर को यहाँ पे कंट्रोल करता है ये पिगमेंट, है ना। अब अगर ये अगर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है तो इसको क्या बोलते हैं, रंजकहीनता या एल्बिनिज्म बोलते हैं ना। और ऐसा क्या क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेलेनिज्म का जो सिंथेसिस है उसके लिए एक एंजाइम चाहिए होता है ना, और वो एंजाइम कौन सा है, टायरोसिनेज एंजाइम, है ना, जो मेलेनिन है इसके फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे टायरोसिनेज एंजाइम,
टायरोसिनेज एंजाइम चाहिए होता है, ठीक है। जब ये प्रभावी होता है, इस टायरोसिनेज के मतलब निर्माण के लिए जो जीन रहता है वो जब प्रभावी होता है तो यहाँ पे मेलानिन का फॉर्मेशन अच्छे से होते रहता है। लेकिन जब ये अप्रभावी वाला अगर यहाँ पे टायरोसिनेज का ये प्रभावी है, ये अगर ये कंडीशन है तो वो क्या हो रहा है यहाँ पे आसानी से टायरोसिनेज बन जा रहा है जो मेलानिन का फॉर्मेशन कर ले रहा है। लेकिन जब टायरोसिनेज यहाँ पे अप्रभावी अवस्था में आ जाता है तो हमको कैसा देखने को मिलेगा यहाँ पे मतलब रंजकहीनता, एल्बिनिज्म वाली कंडीशन देखने को मिलेंगी और उसकी जो स्किन रहेंगी वो बहुत ज्यादा कैसी रहेंगी, सफेद रहेंगी, सफेद रहेंगी, ठीक है। और जो संतान बनने के जो चांसेस रहते हैं वो क्या हो रहे थे यहाँ पे 50-50% चांसेस होते हैं, है ना, 50-50% चांसेस होते हैं कि यहाँ पे हमको प्रभावी और अप्रभावी दोनों चीजें देखने को मिल जाती है। अगर फॉर एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ पे एक क्रॉस करते हैं कि भाई यहाँ पे कोई ये एक एल्बिनिज्म का प्रभावी वाला जीन है और ये कैसा है, मान लो ये क्या है यहाँ पर मेल है, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे अप्रभावी वाली फीमेल के साथ में इसकी मैरिज करवा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा, हमको दो कंडीशन देखने को मिली, ए और ए, ये एक कंडीशन हमको देखने को मिल रही होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस वाली कंडीशनों पे, है ना। तो क्या चीज हुआ यहाँ पे, ये जो मिल गया ये भी कैसा मिल गया यहाँ पे, हमको हेटेरोजाइगस मिला, जिसके कारण में क्या हो गया यहाँ पे हमको मतलब उसकी स्किन का कलर कैसे देखने को मिल रहा है, नॉर्मल कलर हमको देखने को मिल जाएगा, जैसे ब्लैक मान लो, है ना। क्यों देखने को मिल रही है इस संतान से यहाँ पे ब्लैक, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है प्रभावी है। लेकिन जब हम इस प्रभावी वाले या ये जो हमारे पास यहाँ पे प्रभावी ये क्या है, अगर मान लो यहाँ पे ये क्या बनी है, फीमेल बनी है, इसको कोष्ठक में डाल दो, फीमेल, इस फीमेल की मैरिज हम एक नॉर्मल पर्सन से करा रहे हैं ना, नॉर्मल पर्सन या मान लो उसके अंदर में क्या है, नॉर्मल नहीं है वो, डिसीज वाला पर्सन है ना, डिसीज वाला पर्सन है, इसके साथ में अगर करा दी तो अब हमको यहाँ क्या हो रहा है, दो प्रकार के गैमेट्स मिल जा रहे हैं, कैपिटल ए और एक क्या मिल रहा है, स्मॉल ए, और स्मॉल ए मिल रहा है। तो स्मॉल ए जब मिल रहा है तो यहाँ पर ये कैसा हो गया, नॉर्मल हो गया, है ना, ये जो भी संतान बनेगी वो क्या आ जाएंगी, नॉर्मल आ जाएंगी। लेकिन ये वाली जो संतानें बनी है वो कैसे आ जाएंगी, यहाँ पे अल्बिनिज्म से ग्रसित हो जाएंगी, ठीक है। मोबाइल पर दिख रहा, क्लियर कैमरा अच्छे से काम नहीं कर रहा, ठीक है। अगली चीज है अब जीन म्यूटेशन, नहीं हाँ जीन म्यूटेशन चल रहा था, अगला एल्केप्टोनूरिया, ठीक है, एल्केप्टोनूरिया। अब इस एल्केप्टोनूरिया में क्या चीज हो रही थी, इसके लिए याद रखना था, जो एल्केप्टोनूरिया है ये भी कैसा है, यहाँ पे जन्मजात है, मतलब जब उसका बर्थ होता है उसी टाइम से उस बेबी के अंदर में डिसीज हमको देखने को मिलती है। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो किसने किया था, यहाँ पे गेरॉल्ड ने किया था, गेरॉल्ड ने किया था 1909 में, ठीक है, 1909 में किया था। और इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे फिनाइल एलेलिन और टायरोसिन, ये जो एमिनो अम्ल है इससे संबंधित यहाँ पे एक मेटाबॉलिक्स एबनॉर्मलिटी हमको देखने को मिलती है, किससे संबंधित, फिनाइल एलेलिन, फिनाइल एलेलिन और टायरोसिन, टायरोसिन, इससे संबंधित हमको यहाँ पे एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है यहाँ पे एक होमोजेनेटिस एसिड रहता है जो यहाँ पे बॉडी के अंदर में फॉर्म होता है, और ये क्या करता है, जो दूसरी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है उसमें हेल्प करता है, है ना। तो जब यहाँ पे ये जो होमोजेनेटिक्स एसिड है जब ये बॉडी के अंदर में फॉर्म होते रहता है तो सारी जो प्रोसेस चलते रहती है वो नॉर्मल चलते रहती है ना। लेकिन जब यहाँ पर ये जो एंजाइम बन रहा था होमोजेनेटिक्स एंजाइम, ये यहाँ पर लिख रहा हूं, ठीक, एसिड,
ठीक है, ये जो एंजाइम बन रहा था इसका अगर यहाँ पे विखंडन नहीं हो पा रहा है, जब शरीर के अंदर में या फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन जब यहाँ पर नहीं बन पा रहा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, यूरिन में इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, साथ साथ में जो हमारी बॉडी के अंदर में ज्वाइंट्स रहते हैं उसमें भी यहाँ पे ये डिपॉजिट होने लगता है, जब वो डिपॉजिट होने लगता है तो उसके कारण एक और डिसीज बनती है और इसको क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस, अर्थराइटिस है ना, ठीक है। अब ये जब चीज हो रही है यहाँ पे अर्थराइटिस हो रहा है, या जब यहाँ पे ये फिनाइल कीटोनूरिया वाली जब कंडीशन आ रही है, तो जो यूरिन होता है जैसे ही वो एनवायरमेंट में आता है, और इस यूरिन में क्या था यहाँ पे होमोजेनेटिक्स, ये होमोजेनेटिक्स एसिड प्रेजेंट था, तो ये ऑक्सीजन के साथ में एनवायरमेंट में आके, ऑक्सीजन के साथ में आके यूरिन का कलर कैसे कर देता है, ब्लैक कर देता है, ब्लैक। तो इसी को क्या बोलते हैं, ब्लैक यूरिन डिसीज, ब्लैक यूरिन डिसीज, ठीक है। एल्कैप्टोनूरिया को बोलते हैं ब्लैक यूरिन डिसीज भी बोलते हैं, क्योंकि जो होमोजेनेटिक्स एसिड रहता है वो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है, और जैसे ही ये क्रिया करता है वैसे ही क्या कर देता है, यूरिन को ब्लैक कर देता है इसीलिए। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये गेरार्ड ने किया था, ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रखना, सर एक बार फिर से बोलिए। ये ठीक है, एल्कैप्टोनूरिया को एक्सप्लेनेशन गेरार्ड ने किया था, और इसके अंदर में बॉडी के अंदर में दो एंजाइम्स फॉर्म होते हैं, फिनाइल एलेनिन और एक टायरोसिन, ये एक मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जिसमें क्या होता है एक और एक यहाँ पे एसिड फॉर्म होता है बॉडी के अंदर में, होमोजेनेटिक्स एंजाइम बनता है जो क्या करता है यहाँ पे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है बॉडी के अंदर में उनको कंट्रोल करता है। लेकिन जब ये होमोजेनेटिक्स एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर में इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है, तो फिर यहाँ पर यूरिन में के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकलता है, यूरिन में उसका कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता बढ़ जाती है, जॉइंट्स जो हमारी बॉडी के अंदर में जॉइंट्स है वहां पर वो डिपॉजिट होने लगता है, जिसके कारण जब वो जॉइंट्स में डिपॉजिट हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, अर्थराइटिस कहलाता है। और जब यूरिन के अंदर में प्रेजेंट होता है तो जैसे ही होमोजेनेटिक्स एंजाइम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शंस करता है वो ब्लैक कलर का एक पिगमेंट फॉर्म करता है, या ब्लैक कलर का एक कंपोजिशन फॉर्म कर देता है, जिसके कारण यूरिन का कलर ब्लैक हो जाता है, और इसीलिए इस डिसीज को क्या बोलते हैं, ब्लैक यूरिन डिसीज, ठीक है। यस सर।